हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेली केसी। अब जो है धनिया पत्ता बहुत सस्ता मिल रहा है, तो क्यों ना हम अचार बना कर रख ले। ऐसे बनाएंगे कि कई महीने तक हम खा पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। धनिया पत्ती के अचार की रेसिपी को अब बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। मैंने ले लिया है 2 गड्डी धनिया पत्ती, बाई वेट ये है 300 ग्राम। अब इसे मैं थोड़ा सा चुन लूंगी, देख लूंगी घास वास तो है नहीं। चुनने के बाद हम इसे मोटा मोटा ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे। मैंने सारी धनिया पत्ता को रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद हमें इसे कम से कम 4 पानी से वॉश करना होगा, जिससे सारी इसकी मिट्टी गंदगी सब निकल जाए। धुलने के बाद मैंने एक जाली में दे दिया था इसको, कि इसका एक्स्ट्रा पानी सब झर जाए। उसके बाद एक बड़ा सा सूती का कपड़ा लेना है, फिर हमें ऐसे धनिया पत्ती को फैला देना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सब अब्सॉर्ब हो जाए, उड़ जाए। और हमें फैन भी चला देना है। हट्टी ग्राम मैंने ले लिया है इमली, इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। इसे भिगो कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसका पल्प निकाल लूंगी। जब एक्स्ट्रा पानी हमारा धनिया पत्ते का सूख जाएगा, तो हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। हमें दरदरा पीसना है, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, और पानी हमें नहीं यूज करना है। धनिया पत्ता को मैंने दरदरा पीस लिया है, इसे एक साइड में रख देते हैं। मैंने ले लिया है इमली का पल्प, जो मैंने अभी निकाला था इमली भिगोकर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैंने पिंक सॉल्ट यूज किया है, 1/4 चम्मच मैं यूज कर रही हूँ हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1/2 कप जो है सरसों का तेल गरम किया है, इसमें मैं डाल दूंगी 5 फोड़न 1 चम्मच, 1 पिंच हींग यूज कर रही हूँ, 4 साबुत लाल मिर्च लिए हैं, इन्हें भी मैं तोड़कर डाल दूंगी। बस 30 सेकेंड तक फ्राई करूंगी, उसके बाद ही इसमें डाल दे रही हूँ लहसुन। 10 कलियां ली थी, उसमें मैंने इसको 20 से 1/2 कर लिया है। जस्ट 2 मिनट फ्राई करने के बाद ही मैं डाल दूंगी ग्रेटेड अदरक, 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट किया है। थर्टी सेकेंड बाद ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये इमली वाला मसाला। तीन मिनट तक करीब फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर, 1 स्पून यूज कर रही हूँ, जिससे इसकी खटास बैलेंस हो जाए। अब शुगर के मेल्ट होने तक हमें इसे कुक करना होगा। शुगर मेल्ट हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम इस पीसे हुए धनिया को। अच्छे तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है, और चूंकि मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तो इसका धनिया पत्ता का कलर ऐसे ही ग्रीन रहेगा और इसका एरोमा भी ऐसे ही रहेगा।
जार को कवर करने के बाद हमें इसे 7 से 8 दिन तक कंटिन्यूअसली धूप में रख देना है और फिर ये खाने लायक हो जाएगा और साल भर आपका ये चलेगा अचार। धनिया पत्ते के अचार की मजेदार रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।